हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो भी बच्चे बीए प्रोग्राम सिक्स सेमेस्टर के हैं और जिनके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये अपना ये डिसिप्लिन में सब्जेक्ट है, देख लो। इनके ऊपर मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड, तो इनके ऊपर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 9 तारीख और 10 तारीख के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप सभी को 2 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उन दोनों क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना, ठीक है। तो 8-8 क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चन के ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना तो इजिली आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे, तो मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। और इन 2 क्वेश्चन पेपर के अलावा भी मैं आप सभी को थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, जिससे कि आप तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसे आप इजीली लिख दोगे। तो ये 2 क्वेश्चन पेपर देख लो, ये पहला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 8 के 8 क्वेश्चन दिखा देता हूँ और इनके आंसर भी आप सभी को बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया। और हाँ दोस्तों, एक बात और, इन 2 क्वेश्चन पेपर के अलावा भी मैं आप सभी को थोड़े और क्वेश्चन बता दूंगा, जिससे कि आपकी प्रॉपर तरीके से स्टडी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग लिख सकते हो तुरंत के तुरंत। तो ये पहला क्वेश्चन देख लो क्या पूछा गया है इसमें। वियतनाम युद्ध का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। वियतनाम युद्ध का संक्षेप में वर्णन करना है, तो इसका आप सभी को आंसर दिखा देता हूँ। तो ये रहा आप सभी का आंसर, तो यहाँ पे देख लीजिए अपना आंसर, ये वियतनाम युद्ध का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो वियतनाम युद्ध, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी हेल्प हो रही है, एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, इतना हिचकिचाया मत करो चैनल को सब्सक्राइब करने में कि आप लोग सोचते हो कि चैनल सब्सक्राइब क्या करें। दोस्तों, अगर आपकी हेल्प हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें और सपोर्ट बनाए रखा करें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ जब कोई बच्चा सपोर्ट कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, तो मेरा भी काम बनता है, फ़र्ज बनता है कि बच्चे की और हेल्प करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों, बस अच्छा लगता है दूसरे बंदे को, सामने वाले को। तो ये सारा कुछ आप लोग स्टडी कर लेना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोग वीडियो में नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो मैं आपको व्हाट्सअप के थ्रू ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और ये दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होता हुआ आया है। तो ये क्वेश्चन स्टडी कर लेना आप लोग। ठीक है, ये यहीं तक है आपका, तो यहाँ तक ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। शीत युद्ध के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, आप सभी को शीत युद्ध के बारे में ज़रूर स्टडी करना है, एक क्वेश्चन जरूर कन्फर्म है, ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। 100% दोस्तों पूछा जाएगा, 100% तो दोस्तों 95% कन्फर्म है कि पूछा ही जाएगा। इसके ऊपर आप लोग स्टडी जरूर करना, क्योंकि ये हर बार रिपीटेड होता हुआ आया है हर क्वेश्चन पेपर में। तो शीत युद्ध के बारे में आप लोग जितना पढ़ लोगे उतना आप सबके लिए बेटर रहेगा। तो शीत युद्ध के बारे में ज़रूर पढ़ना आप लोग। तो शीत युद्ध के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। शीत युद्ध के विभिन्न चरण, तो यहाँ से शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को।
अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक पढ़ लेना, आपका ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये दूसरे के जो आंसर है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, पूंजीवादी औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पूंजीवादी औद्योगिकरण, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना, देख लो कहाँ तक पढ़ना है, पूंजीवादी औद्योगिकरण। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ लेना, ये तीसरे का आपका कंप्लीट हो गया आंसर। अब चौथे का देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, नारीवाद के सिद्धांत का विश्लेषण उनकी आलोचना सहित प्रस्तुत कीजिए। तो नारीवाद के ऊपर भी दोस्तों आप लोगों को स्टडी जरूर करना है, ठीक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा नारीवाद के ऊपर, तो इसका मैं आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, ये चौथे का आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। अगर और कुछ पढ़ना है आपको नारीवाद के ऊपर, पीडीएफ चाहिए, 10 ईयर चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं अब। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, रंग भेद विरोधी आंदोलन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और उसके प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो रंग भेद के बारे में आप सभी को लिखना है, ठीक है, रंग भेद विरोधी आंदोलन, तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको, ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? ये आपका पांचवे का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है, रंग भेद वाला। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, चिपको आंदोलन क्या था, इसके कार्य रूप और विविध पहलुओं की चर्चा कीजिए, ठीक है? तो चिपको आंदोलन क्या था तो वो लिखना है आप सभी को, तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना, चिपको आंदोलन के ऊपर। तो ये आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर, तो ये रहा आपका छठे का आंसर, ठीक है? तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना आप सभी को। इसके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना दोस्तों। तो यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? ये आपका छठे का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। सातवां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, आधिकारिक खेल प्रतियोगिताओं के दौरान दर्शकों के आचरण नियमों को बतलाइए, ठीक है? तो इसका आंसर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, आधिकारिक खेल प्रतियोगिता, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया सातवें का। अब आठवें का देख लेते हैं आखिरी। आठवां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया, सत्यजीव रे की फिल्में बाईसाइकिल थीफ से अत्यधिक प्रभावित थी, इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है? तो सत्य रे जीव की फिल्में बाईसाइकिल थीफ से अधिक प्रभावित थी, तो इसके ऊपर आप सभी को आंसर लिखना है, तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है।
तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। पहले क्वेश्चन पेपर के 8 जो आंसर है वो कंप्लीट हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल खेल से आप क्या समझते हैं, फुटबॉल के इतिहास की समीक्षा कीजिए। फुटबॉल खेल से आप क्या समझते हैं तो वो बताना है, और इतिहास की समीक्षा करनी है। तो इसका आंसर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। पूरा खेल के बारे में बता रखा है, जो फुटबॉल खेल है उसके बारे में पूरा बता रखा है कि कैसे क्या होता है। तो बस ये यहाँ तक स्टडी कर लेना आप लोग, ठीक है। ये पहले का आंसर कंप्लीट हो गया, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, रंगभेद व्यवस्था क्या था। तो पहले क्वेश्चन पेपर में भी दोस्तों रंगभेद के बारे में पूछा था, और दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी रंगभेद के बारे में पूछा गया है। तो रंगभेद व्यवस्था क्या था, रंगभेद आंदोलन की भूमिका, प्रभाव और रणनीतियों की चर्चा कीजिए। तो रंगभेद के बारे में आप सभी को बताना है, इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। दूसरे का जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है, सत्य जीते रहे पर बाइसाइकिल थीफ का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका दोस्तों मैंने आप सभी को आंसर बता दिया था पिछली वीडियो में, तो वही क्वेश्चन दोस्तों सेम रिपीटेड सेकेंड क्वेश्चन में भी पूछ लिया है। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। शीत युद्ध के संदर्भ में जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो शीत युद्ध के संदर्भ में जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का वर्णन करना है आप सभी को। तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को।
तो ये आपको यहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है। आपका ये चौथे का आंसर कंप्लीट हो गया, पांचवा या देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया, एक खेल प्रतियोगिता विभागीय नियम का आयोजन बताइए। तो इसका आप सभी को आंसर बता देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों पांचवे का आंसर, और इसका आंसर दोस्तों मैंने पहले ही क्वेश्चन पेपर में बता दिया है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना। तो वही क्वेश्चन, सॉरी, कोई क्वेश्चन का आंसर सेम रिपीटेड है, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। और अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या इसमें पूछा गया, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ, ये थोड़ा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है, पढ़ना। ये रहा आंसर दोस्तों इसका, ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देख लो। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना आप, तो ये आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा छठे का, साम्राज्यवाद। तो सातवां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों फुटबॉल के बारे में, जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था फुटबॉल के बारे में, तो इसका आंसर आप सभी को मैंने बता दिया है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी का गंभीर मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी का गंभीर मूल्यांकन करना है, तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, और देख लो कहाँ तक पढ़ना है इसको। तो इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लेना। आपके ये दो क्वेश्चन पेपर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो अब मैं कुछ अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आप सभी को, कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उनके आंसर भी साथ के साथ आप सभी को बता देता हूँ कि कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इनके ऊपर भी स्टडी ज़रूर कर लेना, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लोग स्टडी ज़रूर करना, ठीक है। शीत युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है, शीत युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है, शीत युद्ध के कारक एवं परिणाम को दर्शाइए। तो इसके ऊपर दोस्तों स्टडी आप लोग जरूर करना, शीत युद्ध के ऊपर। तो इसका देख लो आंसर, कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को, कहाँ तक स्टडी करनी है। ये जो मैं दोस्तों बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, कि मैक्सिमम 50% से ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं आप सभी के। शीत युद्ध के बारे में तो जरूर स्टडी करना जितने बच्चे हैं। और अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं उस बच्चे को ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना, ठीक है। कोरिया युद्ध की शुरुआत, कारणों एवं इसके परिणामों की चर्चा कीजिए। तो कोरिया युद्ध के बारे में आप लोग जरूर पढ़ना जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना कोरिया युद्ध के बारे में। और एक क्वेश्चन ये है, इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना, ठीक है। वी उपनिवेशीकरण क्या है या कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। वी उपनिवेशीकरण क्या है या कब प्रारंभ हुआ, तो इसके ऊपर आप लोग आंसर देख लो। इसके ऊपर स्टडी आप सभी को जरूर करना है।
तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, तो इनके ऊपर स्टडी ज़रूर करना दोस्तों। एक और देख लेते हैं, और इसके ऊपर भी दोस्तों स्टडी ज़रूर करना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पेरिस, ठीक है। पेरिस छात्र आंदोलन 1968, इसके ऊपर स्टडी ज़रूर करना आप लोग। तो इसका क्वेश्चन देख लो और आंसर देख लो। ये भी दोस्तों कंफर्म है, ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग ये पेरिस युद्ध का, और एक पॉइंट ये भी पढ़ लेना पेरिस युद्ध का ही, ठीक है। पेरिस का ही, पेरिस छात्र आंदोलन घटनाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी ज़रूर करना, तो इसका क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर आप सब लोग देख लो, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक, इसके ऊपर भी दोस्तों स्टडी ज़रूर करनी है। ये जो मैं आखिरी के बता रहा हूँ, इनके ऊपर आप सबको स्टडी ज़रूर करनी है। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। इसके ऊपर स्टडी ज़रूर करना आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। मार्क्सवाद, नारीवाद और महिला आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग स्टडी ज़रूर करना, मार्क्सवाद, नारीवाद, महिला आंदोलन पर एक टिप्पणी कीजिए। और दोस्तों नारीवाद के ऊपर आपको स्टडी ज़रूर करनी है, एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। नारीवाद का चैप्टर दोस्तों आप लोग ज़रूर पढ़ना, अगर आपके पास बुक है तो आप लोग नारीवाद का चैप्टर ज़रूर पढ़ना। अगर नहीं है तो मैं 10 ईयर PDF सेंड कर दूंगा, मेरे को बोल देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक। तो बस दोस्तों यही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप सभी को बता दिए, ठीक है। इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो कन्फर्म है आप लोग पास हो जाओगे अच्छे खासे नंबर से, जो मैंने आप सभी को क्वेश्चन बताए हैं अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के ऊपर स्टडी ज़रूर कर लेना, और पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हिस्ट्री की वीडियो बनाई है, तो वो आप सभी ने देखी होगी और पढ़ा भी होगा, ठीक है। वो सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करवाए थे आंसर नहीं, तो इस वीडियो में आप सभी को आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप लोग पढ़ लेना और स्टडी कर लेना, अगर इन क्वेश्चन के ऊपर आप लोग स्टडी कर लोगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग कंफर्म है अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, और अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए हिस्ट्री की तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको वो PDF भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, तब भी मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।